हाँ जी, व्हाट इज़ अप गाइस, की हाल चाल। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज मैं हले सारे काम करके घर आ चुका। घर आके हले वंश भी आ रहे, जिम चलते हैं। जिम आज आप मारेंगे चेस्ट, चेस्ट के नाल आप मारेंगे चेस्ट के नाल ट्राइसेप, ट्राइसेप मार के फिर आज दिखा दिखाने आप बड़ा तगड़ा आएगा, क्योंकि आप प्री वर्कआउट लैके जावे। पहले मैं एज अ कॉफी नू प्री वर्कआउट लै लेंदा सी, बट ओना हूँ ना आदत जी होगी कैफीन की, तो मैं सोचा थोड़ा अपग्रेड करा। तो फिर अपग्रेड इदा नहीं कि रोज़ प्री वर्कआउट लेना है, हफ्ते जिहड़े जिहड़े मेन डे है, जिवें साडा बैक डे होगा, चेस्ट डे होगा, उस दिन आप लै लेने हैं, और बाकी डे स्किप कर देने प्री वर्कआउट लिए। बाकी थोड़ी हाले सफाई करना कमरे की, वो भी नहीं की हुई मैं। तो लेट्स गो। तो गाइस, हम शेर निकल चुके हैं वर्कआउट करने, ठीक है। अब यहाँ से वर्कआउट क्या क्या है आज पता नहीं, तू करवाएगा। आज मैं कराऊंगा, आज मैं इसका कोच हूँ, और आज हम करेंगे चेस्ट और ट्राइसेप। बाकी मैं इसको कहूंगा कि कार्डियो करें, क्योंकि इसकी चेस्ट तो बंद ही हुई है। घंटा चल बोल दे एक बारी अपना डायलॉग। शेर, ओए भाई एक बात सुन मेरी। ओए मैंने भी तू उसको जानता है बीटेक वाली को, बीटेक वाली पानीपुरी, पानीपुरी वाली भाई, उसने थार ले ली भाई पानी बेच के। भाई थार, भाई लोग गोलगप्पे बेच के थार खरीद रहे हैं भाई। अबे यार भाई, ये मैं भी बनाऊंगा। ये भैया देखो अभी तक यही है, उन्होंने थार ले ली भाई। अभी अभी जिम पहुंचे हैं, मैं तो करूंगा चेस्ट वर्कआउट। ये करेगा क्या करेगा तू, दो चेस्ट इसको मिक्स करा दूंगा मैं। बाकी आज का ना मौसम बहुत तगड़ा हो रहा है, आज धूप बड़ी प्यारी निकल रही है। बाकी दिल्ली का मौसम तुम्हें पता ही है, ऐसा ही रहता है, धुंधला 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 सा। कभी पंजाब जाओगे ना भाई, पंजाब का जो मौसम होता है ना सुबह का, दोपहर वाले पेड़ जला के यहाँ पे धुआं छोड़ देते हैं, वो ला रहे हैं। बाकी सब ठीक है, बट ऐस मारने में ना भाई फट के हाथ में आ जाती है भाई। बाकी करते हैं, टाइम हो तो गया है, बस ओवर है, सब कुछ हो गया हमारा, कि चलते हैं भाई। ऐप्स मारने क्यों ज़रूरी होते हैं? ऐप्स क्या होता है, एब्डोमिनल स्ट्रॉन्ग होता है, जिससे तुम्हारी सारी लिफ्ट स्ट्रॉन्ग होती हैं, डेडलिफ्ट, स्क्वाट और बेंच प्रेस।
ये ऐसी लिफ्ट्स हैं जिनमें पूरी बॉडी वर्क करती है, ना कि सिर्फ एक सिंगल मसल। तो भाई वर्कआउट होता है ख़त्म, अभी चलते हैं घर। घर जाके लेते हैं डाइट, जो कि सबसे ज़रूरी होती है पोस्ट वर्कआउट। मैं मील आपको घर जाके दिखाता हूँ क्या खाता हूँ मैं पोस्ट वर्कआउट। तो भाई आज कैसा हुआ वर्कआउट तेरा? हैं बढ़िया है ना। बाकी ना एक दिन ऐसा रखेंगे फुल बॉडी भी करेंगे, मंडे से फिर पुश पुल लेग। ठीक है, लेग पुश पुल, लेग पुश पुल वही होगा भाई। ये आर्नोल्ड जैक करो, खड़ा होइए। तो भाई यहाँ पे आग लग गई है, मतलब लगी नहीं है, मे भी लगाई है इन्होंने कूड़ा वूड़ा जलाने के लिए। कुत्ते को पड़ गया भाई, पड़ गया। ले मेरा फोन भी ले, अभी हम घर ही जा रहे हैं, इसको भी व्लॉग शूट करना है। भाई अभी हम ना बात कर रहे थे गायनो प्रॉब्लम के बारे में जो मेल्स में आ रही है भाई, मेल्स में भी छोटे बच्चों में, मतलब मेल्स में तो चलो छोटे बच्चों से शुरू हो रही है। छोटे बच्चों को क्या है ना, उनके न्यूट्रिशन, उनके गलत खाना, जंक फूड भाई, 20-20 रुपए में ये खा लिया वो खा लिया। भाई पता है क्या, बच्चों आजकल ना माँ बाप ने ना अपने बच्चे बिगाड़ रखे हैं कि ना लाइक हम बाहर से कुछ मांगते थे तो हमारे मम्मी पापा हमें सुनाते थे कि हाँ, और घर की दाल रोटी की लाते तो ले। और आजकल के बच्चे कहते ना कि मम्मी ये चाहिए भाई, वो किसी ना किसी तरीके से उनको मम्मी मेन भाई जोमेटो आ गया, स्विगी आ गया, यहाँ से ऑर्डर कर लेते हैं, जो कि भाई गलत है क्योंकि न्यूट्रिशन ना बचपन में ही ले लोगे ना तो बड़े होकर फायदे मिलेंगे। ठीक है, उनका बिगड़ा हुआ भाई गायनो प्रॉब्लम, स्किनी फैट बहुत हो रहा है सबको भाई। मेन चीज है एक्सरसाइज, ठीक है, एक्सरसाइज जरूर करो भाई, वो फाइबर्स पूरे करो अपने शरीर में। मतलब क्या होता है जब तुम कुछ खा रहे हो, अनहेल्दी भी खा रहे हो ना, ऊपर से फाइबर अपना पूरा रखोगे, सैलेड खाओगे, ग्रीन वेजिटेबल्स खाओगे, तो भाई तुम्हारा डाइजेस्टिव सिस्टम सही रहेगा। भाई हमने भी घर से स्टार्ट किया था, अगर तुम ये है कि जिम जाने की पैसे नहीं है, फीस नहीं है, तो घर से स्टार्ट करो। मतलब अगर एज कम है ना तो भाई घर में शुरू, बाकी 17-18 के तो भाई जिम जरूर जाया करो। बाकी अगर तुम्हारी मेन फोकस है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, एंड्योरेंस और स्टेमिना इन सब पे है, तो भाई तुम जॉगिंग करा करो भाई, सुबह उठ के रन पे जाया करो भाई। रनिंग करोगे ना तुम्हारी ऑल ओवर पूरी फिजिक अच्छी रहेगी। जो मेरे एप्स तुम देखते हो ना, मैंने कहा मैं बहुत रेयर करता हूँ, पर एप्स मेरे रनिंग से ही बने थे। तो भाई पोस्ट वर्कआउट हम ये खा रहे हैं, क्या है पता नहीं, क्या है ये, क्या है ये, जलेबी। तो जिम जाओ, अच्छा खाओ, बॉडी बनाओ और ऐश करो। हाँ जी गाइज, इट्स टाइम फॉर एंडिंग द व्लॉग। तो गाइज आप खा पी के हले बैठ चुके हैं, इस तो बाद मैं थोड़ा आराम करा सोवा, क्योंकि सवेरे आप न्यू व्लॉग शूट करना, आप जा रहे हैं फेयर, जा रहे हैं आप ट्रेड फेयर, तो उत्थे का भी व्लॉग आएगा। तो इंद्र भाई उन्होंने जाना मैं कल संडे है, नाले मे बी शायद मैं सवेरे आर्म रेसलिंग की प्रैक्टिस कर जावा, बिकॉज कोहली साढ़े एक पार्क च बच्चों ने आपस ही टेबल लिता है, तो उत्थे मतलब बुलाया है, मतलब मैंने जानते सी। तो करते हैं व्लॉग एंड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड इफ यू इंजॉय द व्लॉग सो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।